इज़राइल, जिसे अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, इज़राइल जिसके आयरन डोम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, इज़राइल जिसके आसमान पर कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इज़राइल जो अपनी ही नहीं दुनिया के कई देशों को सुरक्षा के हथियार देने के लिए जाना जाता है, इज़राइल जिसके हथियारों की ताकत के भरोसे कई देश चैन से सोते हैं, इज़राइल के बारे में दुनिया ने आज तक यही बातें सुनी थी, लेकिन लंबे अरसे बाद इज़राइल के अंदर इज़राइल के लोगों की इतनी खतरनाक दुर्गति देखी जा रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से गाजा से मौत बनकर उड़ने वाले रॉकेटों ने इज़राइल का सीना चीर दिया है। इज़राइल के अंदर ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली है। आज पूरी दुनिया में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर रॉकेट इज़राइल के अंदर हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। आखिर आयरन डोम पास हुआ या फिर फेल, इस सवाल का जवाब हम आगे आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें जो इज़राइल की राजधानी तेल अवीव की है। ये तेल अवीव के अंदर रविवार की सुबह की तस्वीरें हैं। हमास ने यहाँ सुबह बहुत खतरनाक हमला किया है। तेल अवीव के अंदर की एक इमारत के ऊपरी हिस्से पर जबरदस्त चोट पहुंची है। इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पूरा आवासीय इलाका है जहाँ पर हमला हुआ है, और यहाँ पर खड़ी हुई आम लोगों की कारें भी इस हमले में बर्बाद हो गई है। שקרה אתמול זה משהו שלא קרה הרבה זמן אצלנו. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה ומה לעשות כדי להגיב בצורה הנכונה. ואנחנו בדרך לדרום עכשיו, נראה מה יהיה. מה אנחנו הולכים לעשות שם עדיין? זה אני עוד לא יודע. इज़राइल के इन इलाकों को आज तक कभी कोई नहीं छू सका था, लेकिन पहली बार हमास ने इतने जबरदस्त रॉकेट हमले किए हैं कि तेल अवीव तक पहुंचकर रॉकेटों ने इज़राइल को घायल कर दिया है और घरों को तहस नहस कर दिया है। और ये इज़राइल के दक्षिणी इलाके में मौजूद शेट रोट शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हमास ने सबसे पहले शुरुआत में ही बहुत बड़ा हमला किया था, क्योंकि ये शहर हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से काफी करीब है। अभी भी यहां पर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। हमास के इन आतंकियों ने कई घरों के अंदर घुसकर लोगों को बंधक भी बनाया हुआ है। यही वजह है कि इज़राइल की आर्मी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और एक एक जगह को आतंकियों से खाली करवाकर आतंकियों को मार रही है। לראות מחבלים יורים לכל עבר, לא אכפת להם מי בא, מי מולם, רק לראות ולהרוג אזרחים חפים מפשע. זה דבר לא נורמלי מה שקורה במדינת ישראל, איפה הצבא, הממשלה, איפה כל הגורמים הביטחוניים שצריכים לשמור על עם ישראל בכל מקום ומקום. לא יאומן מה שקורה פה בישראל. צריך לנו ביטחון שלם שהתושבים יהיו בטוחים ויכולים לצאת בבטחה ולעשות את כל הדברים שהם יכולים לעשות. ये सब हमले झेलने के बाद इज़राइल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इज़राइल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर को उड़ा दिया है। उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं कि गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं।
गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तो राष्ट्र के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अब हट जाएं, क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही हुई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड़ जुटकर पूरा मंजर देखकर कांप रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें गाजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आ रही है। गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरी गाजा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नजर आ रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलिस्तीन ने शुरू किया है, इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़ेगी। गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है। मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन शव यात्राओं में भी लोग इजराइल से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है। जो लोग लाशों को दफनाने आए थे वो तालियां बजाकर नारे लगा रहे हैं और इजराइल की बर्बादी की कामना कर रहे थे। दूसरी तरफ इसराइल ने भी अपने टैंक युद्ध भूमि में उतार दिए हैं। शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया था तो ना सिर्फ इसराइल के टैंकों को नष्ट किया था बल्कि उन पर चढ़कर जश्न भी मनाया था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में इसराइल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आदेश पर एक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। इतना खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। शनिवार की सुबह जब हमास का बेहद सफल हमला हुआ तो उसके बाद ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिशबाजी की है, जो ईरान और इजराइल के बीच मौजूद नफरत को दिखाता है। इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट हुए हैं और #SupportHamas का ट्रेंड करवाया गया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब इजराइल के अंदर 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आयरन डोम इजराइल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया। इस पर IDF के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें आयरन डोम को धन्यवाद बोला गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर आयरन डोम ना होता तो ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो गया होता। दरअसल दावा ये है कि इजराइल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर क्लोज फाइट में मरे हैं, ना कि रॉकेट हमलों से। दरअसल आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक मानी जाती है, यानी अगर 100 रॉकेट हमले किए जाएं तो 90 तो निश्चित रूप से आयरन डोम के द्वारा रोक दिए जाएंगे, लेकिन बाकी 10 के जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जब हमास की तरफ से 7000 रॉकेट फायर कर दिए गए तो इसराइल के लिए अपने लोगों को बचा पाना मुश्किल हो गया। थैंक्स टू द आयरन डोम वी हैव नॉट सस्टेन्ड tremendous casualties from the rockets that have been fired. The overwhelming majority of the casualties that we have sustained have been from close contact fighting, or rather executions and cold-blooded killings of Israeli civilians
and soldiers by Hamas terror. कुल मिलाकर इजराइल और हमास के बीच चल रही ये जंग अब कई हफ्तों तक चलने वाली है। ना ही इजराइल अब झुकने को तैयार है और ना ही हमास, और ऐसे में अब शांति समझौते की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमास के नेता को फोन करके पूछा है कि फिलिस्तीन अब क्या करने वाला है। ईरान खुलकर हमास के समर्थन में उतर गया है, दूसरी तरफ अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका के टॉप एजेंट्स हर पल की रिपोर्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेज रहे हैं। तो चीन ने क्लियर कर दिया है कि वो चाहता है कि फिलिस्तीन एक आजाद देश घोषित कर दिया जाए। रॉकेटों की बारिश, मिसाइलों की विध्वंसक मार, जख्मी और लहूलुहान इजराइल, कहां है अमेरिका? क्या इजराइल को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा अमेरिका? क्या वर्तमान हालात से लड़ने के लिए इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी करने वाला है अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल को लेकर दिया गया सबसे ताजा बयान देखिए। आगे बताएंगे कि दोस्त इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने कौन सा सीक्रेट प्लान तैयार किया है। आतंकवादी हमलों के मद्देनजर इजराइल को अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। ये इजराइल के किसी भी शत्रु के लिए इन हमलों का फायदा उठाने का वक्त नहीं है, दुनिया देख रही है। इससे पहले जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ कई बैठकें की हैं। अमेरिका एक्शन में है क्योंकि मध्य पूर्व में इजराइल के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी, सबसे बड़ा साझेदार और ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। हमास का हमला हो या हिजबुल्ला का अटैक, अमेरिका की तीखी नजर इजराइल संकट पर है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को किस तरह से मदद कर सकता है या कर रहा है। मिस्र, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका इन देशों से संपर्क में है, लेकिन इन देशों ने तो हमास के हमले का समर्थन किया है। ये देश एक सुर में इजराइल की निंदा कर रहे हैं। इजराइल से इन देशों का अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर तनाव रहा है। ये सारे देश इजराइल से बदला लेने की फिराक में रहते हैं और हमास के हमले के बाद इन देशों को इजराइल से बदला लेने का मौका मिल गया है। लिहाजा अमेरिका इन देशों के संपर्क में रहकर बहुत बड़ा कुछ कर पाएगा, इसकी उम्मीद नहीं ही करनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका इजराइल को किस तरह से मदद पहुंचा रहा है, इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले वो देखिए जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस युद्ध के लिए जो बाइडेन ही जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने कैदियों की अदला बदली के साथ ही ईरान के लिए जो 6 अरब डॉलर का फंड दिया, उसी ने इजराइल पर हमास के हमले का रास्ता खोल दिया। ईरान हमास और हिजबुल्ला का समर्थन पैसा, ट्रेनिंग और शरण देकर करता है। ईरान के बिना इजराइल पर हमले की हिम्मत और कुव्वत हमास में कतई नहीं है। लिहाजा अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है,
फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को सुनिए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ इस युद्ध में फंडिंग में मदद की है और जो बाइडन की नीतियों ने ईरान के खजाने को भर दिया है। इसकी तस्दीक कर पाना मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में यह रिपोर्ट भी छप रही है कि ईरान को जो बाइडन ने जिस 6 अरब डॉलर का फंड दिया है वो पूर्ण रूप से मानवीय उद्देश्यों के लिए है। उसका इस्तेमाल युद्ध के लिए ईरान नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान इसराइल को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तबाह करने पर तुला है। आपको आगे दिखाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर क्या कहा, लेकिन उसके पहले सुनियोजित तरीके से इसराइल पर हमले की रची गई साजिश की डिटेल देखना जरूरी है, क्योंकि हमास के हमले की टाइमिंग सीधा इशारा कर रही है कि इसराइल पर पिछले 50 सालों में सबसे बड़े हमले की प्लानिंग फिलिस्तीन ने नहीं ईरान में रची गई। ईरान ने बहुत चालाकी से हमास का मुखौटा पहना और इसराइल के सुरक्षा सिस्टम को चकनाचूर करते हुए देश में घुस गया। मिडिल ईस्ट पिछले कुछ महीनों में शांति की ओर लौट रहा था। हाल के दिनों में इसराइल के साथ अरब मुल्कों के रिश्ते सामान्य हो रहे थे, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा दी है। जिस गुटबाजी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे वो अब फिर से मजबूत हुई है। इसराइल से अरब देशों के रिश्तों के नए चैप्टर से ही ईरान आग बबूला है। शांति स्थापित होती तो फिर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचता। ऊपर से ऐसा होने पर ईरान को भी घाटा था क्योंकि वो मध्य पूर्व में अलग थलग पड़ जाता। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद उसके समर्थन में आवाज उठाने वाले पहले मुल्कों में ईरान शामिल रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्ते सामान्य करवाने में जुटा है। इसके बदले में सऊदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता करने का मौका मिलता। ऐसा होने पर सऊदी अरब और ईरान के बीच 16 के दरवाजे भी बंद हो जाते क्योंकि तेहरान वॉशिंगटन के खिलाफ रहा है। अगस्त में ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। सऊदी अरब अगर इसराइल के करीब जाता है तो इससे ईरान संग उसके सुधर रहे रिश्ते पटरी से उतर जाते, साथ ही साथ फिलिस्तीन का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता। ईरान फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक रहा है, लिहाजा इसराइल सऊदी अरब की दोस्ती होती तो हमास और फिलिस्तीन चरमपंथी समूह का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता। ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता। माना जा रहा है कि इसी के चलते हमास ने इसराइल को निशाना बनाया ताकि फिर से फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो सके। लेकिन मुद्दा सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है, मुद्दा पूरा मध्य पूर्व है जहां चीन का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका मध्य पूर्व में बढ़ते चीन के प्रभाव से भी आशंकित है। लिहाजा अमेरिका इसराइल पर हुए हमास के हमले का करारा जवाब जरूर देगा, क्योंकि यह मैसेज चीन को भी होगा कि अमेरिका ही एकमात्र देश है जो मध्य पूर्व में शांति स्थापित कर सकता है। ऐसा क्यों है पहले वो समझते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। अमेरिका से इसराइल को भेजी गई मदद की सबसे बड़ी खेप की डिटेल क्या है? चीन ने इस साल मिडिल ईस्ट में अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाया है, सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत कराई। चीन ने ऐसा मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अच्छा हुआ। सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी के चलते एक नहीं, इराक, सीरिया, लेबनन, यमन और बहरीन सहित क्षेत्र के कई देशों की अस्थिरता कम हुई। अमेरिका शांति तो चाहता है, लेकिन कि शांति चीन के असर से पैदा हो वॉशिंगटन डीसी नहीं चाहता। इसीलिए अमेरिका ने सऊदी अरब और इसराइल को एक दूसरे के करीब लाना शुरू किया। बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस शांति बहाली को ईरान की नजर लग गई। नतीजा सामने है। इसराइल से फिलिस्तीन पर हुए सबसे ताजा हमले की तस्वीर देखिए। आगे दिखाएंगे कि पेंटागन में हमास के ऑल आउट के प्लान पर क्या विचार चल रहा है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, मदद कर रहा है, तो ये इसराइल को मजबूत करने से ज्यादा अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है। मध्य पूर्व में खेले गए खूनी खेल के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 3 देशों की हिस्सेदारी है। पहला रूस, जिसकी हमास से निकटता की खबरें पश्चिमी मीडिया में खूब छपती हैं, और दूसरा ईरान का मामला तो खुला खेल फरुखाबादी वाला है। ईरान हमास को खुला प्रशिक्षण और राजनीतिक समर्थन देता है, जिसकी डिटेल आप देख चुके हैं। अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फोन पर हमास के नेता से बात की है।
तीसरा देश है चीन, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है चीन ने हमास को हमले की तकनीक बताई है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन इन तीन देशों को एक साथ सबक सिखाने का जो बाइडन के पास अच्छा मौका है। इसराइल की पिच पर अमेरिका की अब की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब की बार इसराइल ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि रूस, ईरान और चीन तीनों मिलकर मध्य पूर्व में बड़ा खेल खेल रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने पिछले महीने में हमास को हथियारों की सप्लाई की थी, लेकिन इसराइल ने इसे रोक लिया था। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तो फिलहाल तय दिख रहा है कि ये तीनों देश बहुत एक्टिव हैं। चीन ने जो सबसे ताजा बयान दिया है वो देखिए। शांति प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जा सकता। संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता दो राष्ट्र समाधान को लागू करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। मतलब चीन का कहना है कि ऐसे संघर्ष को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शांति प्रक्रिया पर अमल हो। और ये शांति आएगी कैसे, तो चीन ने इसके लिए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देने की बात कही है। चीन यहां भी इसराइल के हितों और अमेरिका की चाहतों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। इसराइल फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को अपना बताता रहा है। इसे लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच संघर्ष चलता रहा है, लिहाजा चीन की फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने वाली शांति इसराइल के किसी काम की नहीं है। असल में चीन चाहता भी नहीं कि उसके शांति प्रयासों का मतलब ईरान के खिलाफ समझा जाए। इसराइल के जरिए वो अमेरिका को मध्य पूर्व से रुखसत करना चाहता है, और अमेरिका है कि इसराइल के लिए अपने हथियारों के भंडार खोलने में सेकंड भर की भी देरी नहीं लगाने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को $8 बिलियन की आपातकालीन सैन्य मदद देने को मंजूरी दी है। इसराइल को अमेरिका से मदद सिर्फ चाहिए नहीं, जल्दी चाहिए। बाइडन प्रशासन यही मदद पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इसराइल, हमास या हिजबुल्ला का नहीं, सवाल है अरबों के 32 दांतों के बीच बसे इसराइल का, जिसका अर्ली वार्निंग सिस्टम 5000 रॉकेट हमलों की सूचना देने में नाकाम रहा। इसराइल अमेरिका की दोस्ती के किस्से आपको इंटरनेट पर भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन इस रिश्ते का असली इम्तिहान अब आया है, जब ईरान और इसराइल जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे के सामने हैं। अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, हमास और इसराइल का युद्ध में आगे क्या होगा, और बेन्यामिन नेतन्याहू इस सोची समझी साजिश के तहत किए गए हमलों का कितना मुंहतोड़ जवाब देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच इससे भी दिलचस्प होगा कि अमेरिका इसराइल का कितना और कहां तक साथ देता है। पिछले 20 साल में इसराइल पर इतना भीषण हमला कभी हुआ नहीं था। हमास ने इस बार इतना सटीक हमला किया है कि इसराइल की स्पेशल फोर्स तक चकरा गई है। इधर इसराइल की सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का जंग में पूरा साथ देंगे। अब हालात ये हो चले हैं कि इसराइल के दुश्मनों को हराने के लिए वहां युद्ध वाली सरकार बनाने का फैसला हो गया है। ये युद्ध सरकार तब तक करती रहेगी जब तक कि इसराइल की जीत नहीं हो जाती। इसराइल का इंतकाम मिट्टी में मिला देंगे गाजा। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब अचानक इसराइल के दक्षिणी इलाके पर हमास ने 7000 रॉकेटों से एक साथ हमला किया। हमला इतना प्रचंड और तीखा था कि इसराइल की सेना और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को समझ में ही नहीं आया कि हमास ने अचानक इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया,
शुरू के 60 मिनट तक इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के हमलों को समझने की कोशिश करती रही, क्योंकि दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर हमास ने तीन तरह से हमला किया था, जमीन, आकाश और समंदर। हमास के चरमपंथियों ने यहूदियों के त्योहार योम के पूर के दौरान गाजा पट्टी से सरप्राइज अटैक किया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में 650 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं। इस वक्त इजरायल वॉर उस दौर में पहुंच चुका है जहां मरते दम तक इजरायल की सरकार युद्ध करेगी। इजरायल ने बनाई युद्ध सरकार। हमास ने ऐसे वक्त में इजरायल पर हमला किया है जिस वक्त इजरायल में प्रधानमंत्री पद को लेकर जबरदस्त उठापटक चल रही है, लेकिन हमास के हमले की वजह से इजरायल में सत्ता पक्ष और पूरा विपक्ष एक हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे विपक्ष के नेता और पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इजरायल जंग जीत नहीं जाता है तब तक युद्ध सरकार के जरिए हमास और हिजबुल्ला से जंग होती रहेगी। आपातकाल, मरते दम तक युद्ध। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के धुर विरोधी इजरायल की राजनीतिक पार्टियों ने बेन्यामिन नेतन्याहू का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा पट्टी से हमास का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हम बेन्यामिन नेतन्याहू का साथ देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजरायल में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक इमरजेंसी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि हमें अब राजनीति को एक तरफ रखकर एक इमरजेंसी सरकार के पक्ष में रहने की जरूरत है जो दृढ़ संकल्प के साथ हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान को चलाएगी। लैपिड ने कहा कि जब तक पूरी जीत नहीं हो जाती है तब तक हम बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देते रहेंगे। נפגשתי עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו. הודעתי לו שבמצב החירום הנוכחי אני נכון לשים בצד את כל המחלוקות, להקים איתו יחד ממשלת חירום מקצועית, מצומצמת, שתנהל את המערכה הקשה, המורכבת והממושכת העומדת בפנינו. ישראל נבנאי יוד סרקר. इजरायल में युद्ध सरकार बनाने के ऐलान के बाद से 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक भारी तोपखाने, टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से गाजा पट्टी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बाय लैंड हू फ्लाइट इसराइल में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई थी। हमास ने इसराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल होने का दावा। इसराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक। इसराइल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया। हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट इसराइल के दक्षिणी इलाके में एक अस्पताल पर गिरा। हालांकि अस्पताल पर रॉकेट अटैक से पहले ही इसराइल की सेना ने उसे खाली करवा लिया था। इसराइल और हमास के बीच जंग का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी के ऊपर आसमान में लगातार रॉकेट दिखाई दी। हमास के हमले में इसराइल सेना के कमांडर की मौत। इसराइल सेना ने कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी दी। हमास ने इसराइल पर हवा और समुद्र के रास्ते में हमला किया है। इस दौरान इसराइल के कई जवानों की मौत हुई। इसके साथ ही इसराइल के कई टैंकों को भी तबाह किया गया।
इसराइल के जवाबी हमले से गाजा में जमकर तबाही मची है। रॉकेट हमले की वजह से यहां पर कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई तो कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इसराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें भी इसराइल की वायुसेना ने जारी की। हमास ने देर रात तेल अबीब पर रॉकेट से हमले किए हैं, जिन्हें इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। हमास के हमले के बाद इसराइल में सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। इसराइल के उफाकीम शहर में इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेज हमास के आतंकियों से जंग करती हुई नजर आई। एयर फ्रांस ने इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, सुरक्षा कारणों को बताया वजह। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा, हमास के रॉकेट हमलों में नहीं की गई किसी भी व्यक्ति की जान। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। जो लोग मारे गए हैं वो आमने सामने की जंग में मारे गए। इजरायल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा, इस बार आर या पार होगा। इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास को जड़ से मिटाने की कसम खा रखी है। इसराइल का गाजा में ताबड़तोड़ हमला जारी। एक इमारत पर हमले के बाद भागते नजर आए लोग। हमास के हमले के बाद इसराइल में रिजर्व सैनिकों की भर्ती। आर्मी बेस के बाहर इसराइल के लोग सेना में भर्ती के लिए जमा हुए। हमास के हमले में इसराइल के 26 सैनिकों की मौत। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी ने सभी 26 जवानों के नाम जारी किए और परिवार के प्रति संवेदना जताई। हमास के हमले में इसराइल में विदेशी नागरिकों की मौत। थाईलैंड के 2 और कंबोडिया के 1 नागरिक की हमले में मौत। थाईलैंड के 11 नागरिक हमास के कब्जे में। ब्रिटेन में इसराइल के राजदूत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्रिटेन के 1 नागरिक को हमास ने बंधक बना लिया है। इसराइल में हमले के बीच विदेशी नागरिक के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमास के हमले में नेपाल के 9 लोग घायल हुए। हमास के हमले के बाद इसराइल के लोगों से शेल्टर होम में जाने की अपील। इसराइल के 55 लाख से ज्यादा लोग शेल्टर होम में छिपे। हमास के हमले के बाद इसराइल में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हमास इसराइल के कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। इस बीच इसराइल से पलायन भी जारी। हमास ने दक्षिणी इसराइल के शहरों में अपने लड़ाकों के होने का दावा किया। कहा, हम इसराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला करके उनकी मदद कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल। तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ईरान ने हमास के आतंकवादियों को मुबारकबाद दी। ईरान के साथ ही यमन में भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा कतर और कुवैत में भी जश्न मनाया गया। इसराइल पर हमास के आतंकी हमले को इस्लामिक देशों का साथ मिला। यूएई, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान ने हमास का समर्थन किया। इसराइल के समर्थन में अमेरिका और रोम में खास लाइटिंग की गई। इसराइल के फ्लैग को चमकता हुआ दिखाया गया, उस पर लाइटिंग की गई। हमास से लड़ाई में इसराइल को अमेरिका का साथ मिला। बाइडेन ने इसराइल पर हमले की निंदा की और कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसराइल के समर्थन में कई देश उतरे हैं। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा सहित कई देशों ने इसराइल का समर्थन किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसराइल पर हमले की निंदा की और हमास के हमले को कायरता बताया। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करके इसराइल में रह रहे यूक्रेन वासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। कहा, वे दुनिया में कहीं भी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा जिम्मेदारी जो है वो यूक्रेन की है। इसराइल पर हमास के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा, इसराइल पर हमला अमेरिका की कमजोरी की वजह से हुआ है। एयर इंडिया ने इजरायली शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाइट स्थगित की। 14 अक्टूबर तक तेल अबीब जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द। इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। हमास के हमले के बीच इसराइल में फंसे मेघालय के 27 लोग। मेघालय के सीएम कोनाड संगमा ने ट्वीट कर दिया, मेरा प्राइड वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह। 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खास खाई है कसम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार, 10 नेवाली छात्र भी मारे गए।
हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइल ने किया जवाबी हमला। लेबनान में मौजूद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बरसाए बम। हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर दागे थे मोर्टार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसराइल पर हमले की निंदा की, कहा भारत इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चंडीगढ़ में वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए करवाया गया हवन, लोगों ने भारत की जीत की प्रार्थना की। बेंगलुरु में पटाखे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा, 14 लोगों की झुलसकर मौत। सीएम सिद्धारमैया ने दिए जांच के आदेश, घायलों का इलाज जारी। 91वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को मिला नया ध्वज, पुराने ध्वज में जोड़ा गया हिमालय, ईगल और अशोक स्तंभ का चिन्ह। वायुसेना दिवस के मौके पर सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन ने दिखाया दम। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वे, गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जारी किया आदेश। राजस्थान में जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का बयान, कहा विकास से लोगों को भ्रमित करना सीएम अशोक गहलोत की नीति है। जातिगत जनगणना के बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला, कहा ओबीसी के बहाने मुसलमानों को हक दे रही सरकार, कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे लालू। पश्चिम बंगाल और मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम की आवास पर सीबीआई के छापे, नगर निगम में नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई टीम की जांच जारी। टीएमसी नेता मदन मित्रा के यहां पर पहुंची सीबीआई की टीम, नगर निगमों में नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की रेड। दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन, ईडी अब तक संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से कर चुकी है पूछताछ। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने पैसे लेने की बात से इनकार किया, कहा पैसे मिलने के आरोप निराधार दुर्भावनापूर्ण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट का उद्घाटन किया, प्लांट में हर दिन मलबे से 2000 टन रेत, रोड़ी और बालू बनाया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, अगली बैठक में नाम तय होने की उम्मीद। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना में शामिल होने का दिया निमंत्रण। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने केदारनाथ धाम में की पूजा। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने भारतीय दल को बधाई दी, ट्वीट कर लिखा पिछले 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 2000 से अधिक लोगों की मौत, हजार से ज्यादा लोग घायल, शनिवार को आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। सिक्किम में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के डॉग तैनात किए गए, सेना के 39 लापता गाड़ियों में से 15 को बरामद किया गया। सिक्किम के मंगन में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग, अस्थायी रोपवे की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। उत्तरी सिक्किम से 56 लोगों का रेस्क्यू, आईटीबीपी की टीम ने रोपवे की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नया अपडेट दिया है, लगातार सूर्य की तरफ बढ़ रहा है आदित्य L1, 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए रुका था अंतरिक्ष यान। वैष्णो देवी दरबार में उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम, इस साल सितंबर तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे माँ के दरबार, साल के अंत तक आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। सिंगर गुरदास मान को कनाडा दौरा रद्द करना पड़ा, भारत कनाडा के बीच जारी तनाव की वजह से गुरदास मान का कार्यक्रम फिलहाल रद्द करने का फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ, चैंबर की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, 6 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर से हटाया गया वैध कब्जा, कार्रवाई के दौरान पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में मनचलों से परेशान परिवार पलायन के लिए मजबूर हुआ, घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुजरात के अहमदाबाद में लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार माया भाई आहिर और लोक गायिका अल्पा पटेल पर पैसों की बारिश हुई, कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल गौशाला बनाने में होगा। पटना में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन दफ्तर में बवाल हुआ है, कुछ लोगों ने दफ्तर में घुसकर पदाधिकारियों पर स्याही फेंकी है, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
एशियन गेम्स में भारत के पदकों का आंकड़ा 100 के पार। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत से कलाकृति बनाई। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में रजत पदक लाने वाले शतरंज महिला टीम को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ये पदक उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पीएम मोदी ने शतरंज महिला टीम को बधाई दी। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सर्विस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर से शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस। मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब कांड के बाद सुर्खियों में आए गंगा जमुना स्कूल पर लगा नोटिस। फरार आरोपियों के खिलाफ चिपकाए गए नोटिस। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन ने आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह के आवास पर मुलाकात हुई। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने छोड़ी पार्टी। सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। खरगोन जिले की बड़वा सीट से विधायक हैं सचिन बिरला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक भोजराज नाग के बिगड़े बोल। अफसरों से कहा, अगर मैं रहता तो आप लोगों का भूत उतारता। 14 अक्टूबर को बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मुंबई में एक साथ 5 आवारा कुत्तों ने पोस्टमैन पर किया हमला। बिल्डिंग के गार्ड ने बचाई पोस्टमैन की जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग छात्राओं ने जहर खाकर की खुदकुशी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संयुक्त अरब अमीरात में जल्द बनकर तैयार होगा भव्य हिंदू मंदिर। मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में। प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही। अब तक 2000 से ज्यादा की मौत। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच चुने गए। भाई, समितियों के सदस्यों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रामलीला कार्यक्रम को लेकर चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर बयान दिया। कहा, 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार देना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 4 तस्करों के पास से लाखों रुपए के नकली भारतीय और नेपाली नोट बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोप है कि गिरोह ने 1.5 साल में 30 लाख रुपए के नोट मार्केट में खपा दिए। इंदौर पुलिस एनआईए एटीएस और आईबी से कई अहम जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गुजरात के नवसारी में एक साथ 3 मकानों में हुई चोरी से मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में एक ट्रक से 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। कपड़ों के बीच अवैध शराब की पेटियां छुपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 1 अक्टूबर से लापता थी छात्रा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साइबर अपराधी पर पुलिस का एक्शन। डीएम के आदेश पर साइबर अपराधी फरीद की 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद झज्जर लौटी पलक गुलिया। लोगों ने पलक का शानदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान उमड़ी भी। मिस्र में इसराइल के 2 और मिस्र के 1 नागरिक की हत्या। मिस्र की पुलिस ने गोली मारकर हत्या की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यूजर्सी में खुला। मंदिर में 10,000 से ज्यादा मूर्तियां। आज से भक्त कर सकेंगे दर्शन। इटली में एक गोल्फ क्लब में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया। इस आग में गोल्फ क्लब का ग्रैंड स्टैंड जलकर राख हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दक्षिण अमेरिका देश पैराग्वे में प्लस साइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 महिलाओं ने हिस्सा लिया। रूस के नेशनल पार्क में 2 स्नो लेपर्ड कैमरे के साथ खेलते नजर आए। नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने जारी किया वीडियो।
करीना कपूर ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर कर जानकारी दी। वायुसेना दिवस के मौके पर सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन ने दिखाया दम। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम में आई बाढ़ पर अहम बैठक की है। मीटिंग में तबाही की समीक्षा की गई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के भी बैठक में वो मौजूद रहे। जिला बनने के बाद मेहर पहुंचे सीएम शिवराज। मेहर माता के मंदिर में की पूजा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। इसराइल और हमास के बीच जंग हुई और भयंकर। हमास के हमले में इसराइल के 350 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घायल। इसराइल की वायुसेना का गाजा में कई ठिकानों पर हमला। हमास के कई हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक की गई। 400 से ज्यादा आतंकियों की मौत, करीब 2000 लोग घायल। इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध में लेबनान की एंट्री। लेबनान ने इसराइल पर मोर्टार और रॉकेट दागे। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी ली। लेबनान की तरफ से हो रहे हमले पर इसराइल का जवाब। दक्षिणी लेबनान में इसराइल की तरफ से गोलीबारी की गई। हमास के हमले के बाद इसराइल के पीएम ने किया ट्वीट। कहा, हमास ने क्रूर युद्ध शुरू किया है। हम ये युद्ध जीतेंगे लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। बैठक में हमास पर लगाम लगाने के लिए बड़ी रणनीति पर चर्चा। गाजा में बिजली, तेल और सामान की सप्लाई रोकने का फैसला। इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन रखा है। इसराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा को बारूद से पाट दिया। इसराइल में फंसी भारतीय एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भारत लौटी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई फ्लाइट। इसराइल में एक फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई थी। हमास ने इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल होने का दावा। इसराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक। इसराइल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया। हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट इसराइल के दक्षिणी इलाके में एक अस्पताल पर गिरा। हालांकि अस्पताल पर रॉकेट अटैक से पहले ही इसराइल की सेना ने उसे खाली करवा लिया था। इसराइल और हमास के बीच जंग का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी के ऊपर आसमान में लगातार रॉकेट दिखाई दी। हमास के हमले में इसराइल सेना के कमांडर की मौत। इसराइल सेना ने कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी दी। हमास ने इसराइल पर हवा और समुद्र के रास्ते में हमला किया है। इस दौरान इसराइल के कई जवानों की मौत हुई। इसके साथ ही इसराइल के कई टैंकों को भी तबाह किया गया। इसराइल के जवाबी हमले से गाजा में जमकर तबाही मची है। रॉकेट हमले की वजह से यहां पर कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई तो कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इसराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें भी इसराइल की वायुसेना ने जारी की। हमास ने देर रात तेल अबीब पर रॉकेट से हमले किए हैं, जिन्हें इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। हमास के हमले के बाद इसराइल में सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। इसराइल के उफाकीम शहर में इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेज हमास के आतंकियों से जंग करती हुई नजर आई। एयर फ्रांस ने इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सुरक्षा कारणों को बताया वजह। इसराइली सेना के प्रवक्ता का दावा, हमास के रॉकेट हमलों में नहीं की गई किसी भी व्यक्ति की जान। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। जो लोग मारे गए हैं वो आमने सामने की जंग में मारे गए। इसराइल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, इस बार आर या पार होगा। इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास को जड़ से मिटाने की कसम खा रखी है। इसराइल का गाजा में ताबड़तोड़ हमला जारी। एक इमारत पर हमले के बाद भागते नजर आए लोग। हमास के हमले के बाद इसराइल में रिजर्व सैनिकों की भर्ती। आर्मी बेस के बाहर इसराइल के लोग सेना में भर्ती के लिए जमा हुए। हमास के हमले में इसराइल के 26 सैनिकों की मौत। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी ने सभी 26 जवानों के नाम जारी किए और परिवार के प्रति संवेदना जताई। हमास के हमले में इसराइल में विदेशी नागरिकों की मौत। थाईलैंड के 2 और कंबोडिया के 1 नागरिक की हमले में मौत। थाईलैंड के 11 नागरिक हमास के कब्जे में। ब्रिटेन में इसराइल के राजदूत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्रिटेन के 1 नागरिक को हमास ने। वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।
आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह। 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खाई कसम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार। 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही। अब तक 2000 से ज्यादा की मौत। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। आप अपने बच्चों की। इसराइल में हमले के बीच विदेशी नागरिक के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमास के हमले में नेपाल के 9 लोग घायल हुए। हमास के हमले के बाद इसराइल के लोगों से शेल्टर होम में जाने की अपील। इसराइल के 55 लाख से ज्यादा लोग शेल्टर होम में छिपे। हमास के हमले के बाद इसराइल में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हमास इसराइल के कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। इस बीच इसराइल से पलायन भी जारी। हमास ने दक्षिणी इसराइल के शहरों में अपने लड़ाकों के होने का दावा किया। कहा हम इसराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला करके उनकी मदद कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल। तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ईरान ने हमास के आतंकवादियों को मुबारकबाद दी। ईरान के साथ ही यमन में भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा कतर और कुवैत में भी जश्न मनाया गया। इसराइल पर हमास के आतंकी हमले को इस्लामिक देशों का साथ मिला। यूएई, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान ने हमास का समर्थन किया। इसराइल के समर्थन में अमेरिका और रोम में खास लाइटिंग की गई। इसराइल के फ्लैग को चमकता हुआ दिखाया गया, उस पर लाइटिंग की गई। हमास से लड़ाई में इसराइल को अमेरिका का साथ मिला। बाइडेन ने इसराइल पर हमले की निंदा की और कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसराइल के समर्थन में कई देश उतरे हैं। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा सहित कई देशों ने इसराइल का समर्थन किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसराइल पर हमले की निंदा की और हमास के हमले को कायरता बताया। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करके इसराइल में रह रहे यूक्रेन वासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। कहा वे दुनिया में कहीं भी हो, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा जिम्मेदारी जो है वो यूक्रेन की है। इसराइल पर हमास के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा इसराइल पर हमला अमेरिका की कमजोरी की वजह से हुआ है। एयर इंडिया ने इजरायली शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाइट स्थगित की। 14 अक्टूबर तक तेल अबीब जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द। इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। हमास के हमले के बीच इसराइल में फंसे मेघालय के 27 लोग। मेघालय के सीएम कोनाड संगमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसराइल पर हमले की निंदा की। कहा भारत इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चंडीगढ़ में वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए करवाया गया हवन। लोगों ने भारत की जीत की प्रार्थना की। बेंगलुरु में पटाखे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा। 14 लोगों की झुलसकर मौत। सीएम सिद्धारमैया ने दिए जांच के आदेश। घायलों का इलाज जारी। 91वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को मिला नया ध्वज। पुराने ध्वज में जोड़ा गया हिमालय, ईगल और अशोक स्तंभ का चिन्ह। वायुसेना दिवस के मौके पर सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन ने दिखाया दम। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वे। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जारी किया आदेश। राजस्थान में जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का बयान। कहा विकास से लोगों को भ्रमित करना सीएम अशोक गहलोत की नीति है। जातिगत जनगणना के बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला। कहा ओबीसी के बहाने मुसलमानों को हक दे रही सरकार, कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे लालू। पश्चिम बंगाल और मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम की आवास पर सीबीआई के छापे। नगर निगम में नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई टीम की जांच जारी। टीएमसी नेता मदन मित्रा के यहां पर पहुंची सीबीआई की टीम। नगर निगमों में नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की रेड।
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। ईडी अब तक संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से कर चुकी है पूछताछ। 10 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड में संजय सिंह। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने पैसे लेने की बात से इनकार किया, कहा पैसे मिलने के आरोप निराधार दुर्भावनापूर्ण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट में हर दिन मलबे से 2000 टन रेत, रोड़ी और बालू बनाया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, अगली बैठक में नाम तय होने की उम्मीद। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना में शामिल होने का दिया निमंत्रण। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने केदारनाथ धाम में की पूजा। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन। इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने हमास के आतंकियों के खिलाफ हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। इजरायली सैनिक दक्षिण इजराइल में हमास के आतंकियों के खिलाफ अब टैंक उन्होंने उतार दिए हैं। इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों का नाश करने में जुट गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार अब इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन हो रही है। इजरायली सैनिक दक्षिण इजराइल में हमास के आतंकियों के खिलाफ अब उन्होंने अपने टैंक भी उतार दिए हैं। तो देखिए किस तरीके से अब हमास को खत्म करना है, उन्हें नष्ट करना है, उनको निस्तनाबूद करना है, उसके लिए अब इजराइल की तरफ से लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों का नाश करने में जुट गए हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ अब अपने सबसे मजबूत हथियार यानी कि टैंक जो है वो अब उतार लिए हैं और हमास पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। देखिए शहर शहर सायरन की आवाज आ रही है, धुएं का गुबार उठ रहा है, लोग वहां पर खौफजदा हैं। ऐसे में अब लगातार जो है प्रहार अब इजराइल की तरफ से और ज्यादा तेज हो गया है। हमास ने ये सरप्राइज अटैक जरूर किया है, लेकिन उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी क्योंकि हमास के खिलाफ लगातार रणनीति बनाई जा रही है इजराइल की ओर से। हमास के हमलों के बाद लेबनान ने भी हमला शुरू कर दिया है। अब यहां इजराइल दो तरफा गिर गया है। इजराइल के खिलाफ इस वक्त टू फ्रंट वॉर चल रहा है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास को पूरी तरह से रोंदने के लिए हजारों सैनिक गाजा पट्टी पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ये साफ कह रहे हैं कि इस बार इजराइल गाजा पट्टी का पूरी तरह से सर्वनाश कर देगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि दो तरफा जरूर घेरा है, लेकिन इजराइल भी पूरे दमखम के साथ उतर रहा है। गाजा को रौंद रहा है इजराइल। चौबीस से 36 घंटे के अंदर पूरा मिडल ईस्ट भयानक जंग की आग में दहकने लगा है। सात अक्टूबर की सुबह तड़के हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल पर पिछले 10 साल का सबसे प्रचंड और भीषण हमला किया है। हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों के अंदर घुसकर आम लोगों को बुरी तरह से मारना और काटना शुरू कर दिया है। हमास इजराइल के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हमास के लड़ाकों के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन में रहने वाले हजारों लोग इजराइल की सेना पर टूट पड़े हैं। कोई टैंक जल रहा है, कोई इजरायली सैनिकों की छातियों पर गोलियां बरसा रहा है, तो कोई इजराइल के भारी हथियारों पर कब्जा करके जश्न मना रहा है। हमास के हमलों से जब तक इजराइल संभल पाता है तब तक इजराइल के कट्टर दुश्मन लेबनन ने भी इजराइल पर उत्तर दिशा से हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक लेबनन ने उत्तरी इजराइल के शहरों पर अंधाधुंध मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस वक्त इजराइल हमास और लेबनन दोनों के डबल अटैक में बुरी तरह से घिर चुका है। दुनिया हैरान है कि आखिर दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के इन बेरहम हमलों की भनक क्यों नहीं लगी।
हमास और लेबनान का इजराइल पर डबल अटैक। इधर इजराइल ने डंके की चोट पर कल ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं और पूरा गाजा तबाह नहीं हो जाता है। इजराइल वायुसेना के प्रचंड एयर स्ट्राइक को देखिए जो रात के घोर अंधेरे में चुन चुन कर हमास के चरमपंथियों को मार रही है, इमारतों को घातक बमों से उड़ा रही है। गाजा में इजराइल पूरी तरह से सर्वनाश करने पर उतारू है। את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צהל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. अब इजराइल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। गाजा पट्टी में शनिवार यानी 7 अक्टूबर की रात को शुरू की गई एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के आसपास रहने वाले नागरिकों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि तुरंत इलाका खाली कर दो। इजरायल पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने गाजा पर 426 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें से 10 ऐसे टावरों को निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। गाजा के आसपास 10,000 इजरायली सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। गाजा को रौंद रहा है इजरायल। इजरायली एयरफोर्स के द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 3,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। Hundreds of terrorists that crossed from Gaza into Israel, they attacked dozens of Israeli communities and IDF bases, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. There have been heavy barrages of rockets towards central Israel and southern Israel. More than 3,000 rockets have been fired at Israel. Hamas aur Lebanon ka Israel par double attack. Hamas ne jis level ka hamla Israel par kiya hai, usne America tak ko dang kar diya hai. किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े और भीषण हमले की भनक इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को क्यों नहीं लगी। जानकारों के मुताबिक हमास का हमला मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर साबित हुआ है। हमास के हमले ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दे दी। ये दोनों इजरायल को दुनिया में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती है। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई है। एजेंसी के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हेलेवी ने बताया कि हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था और इसकी जानकारी या भनक इजरायल में किसी को भी नहीं थी। Most countries stand by Israel, say that Israel has the right to defend itself. You saw before that Prime Minister Modi condemned the attacks. I think all leaders of the world understand the situation, understand the extreme circumstances Israel is under. This is an attack that no country could be in peace with. Of course, I think any country would react in the same way when it comes to such an attack on its civilians. इधर लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने जबरदस्त मिसाइल और मोर्टार हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमला करके उसे डबल अटैक में घेर दिया है। अब एक तरफ से हमास के चरमपंथी हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं।
जंग में लेबनान के टूटने से पूरा मिडल ईस्ट अब जंग की आग में जलने लगा है। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री होना अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। लेबनान ने इसराइल पर मोर्टार से हमला किया है। इसराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर हमला हुआ है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर जवाबी हमला किया है। लेबनान के हमलों का इजरायली फोर्स जवाब दे रही है। इजरायली सेना का कहना है कि हम नागरिकों की रक्षा करेंगे, हर इलाके में हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्ला के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। इजरायल का ये भी दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों पर तोपखाने से हमले शुरू कर दिए हैं। अब इजरायल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है, जो अब रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और इसराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं। इसराइल की एयरफोर्स ने भयानक हवाई हमले गाजा पर शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों में भारी तबाही शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इजरायल गाजा में मौजूद हमास की सभी सुरंगों पर एयर स्ट्राइक तब तक करता रहेगा जब तक कि हमास की सभी सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता है। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास आतंकियों को चेतावनी दी है और कहा कि तुम जहां भी छिपे हो हम हर उस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। बेन्यामिन नेतन्याहू ने लिखा है, हमास जहां जहां छिपा हुआ है हम उन जगहों को मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के निवासियों से कहता हूं कि आप अभी शहर छोड़ दें क्योंकि हम हर जगह भीषण कार्रवाई करेंगे। गाजा पट्टी से इसराइल पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके इसराइल पर रॉकेट से एक के बाद एक बारूदी हमले कर रही है। हमास के आतंकी इसराइल में नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। उधर इसराइल ने भी हमास के ठिकानों पर तबाही मचा दी है। ज़िकिम बीच पर एयरफोर्स ने भीषण हमला बोला है। इसराइल में घुस रहे हमास लड़ाकों को इसराइली सेना ने पहले ही अलग थलग कर दिया था। इसराइली हमले में हमास के कई लड़ाकों के मौत की खबर है। गाजा को रौंद रहा है इसराइल। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसका मकसद गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने का है। आईडीएफ इंटरनेशनल प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच ने साफ कहा है कि एक महत्वपूर्ण बात अभी हमें चिंता में डाले हुए है कि हमें गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना है और कब्जा करना है। अगले 12 घंटों में इसराइल को हमास और लेबनान के हर लड़ाके को मारना होगा और पूरे गाजा पर कब्जा करना होगा। फिलहाल हमास लेबनान और इसराइल के बीच शुरू हुई ये जंग अब बहुत ही ज्यादा खूनी होने जा रही है। इजरायली एयरफोर्स के 12 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने एक साथ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया है। इजरायली विमानों से उसी जगह पर टारगेट किया है जहां से हमास के आतंकी इजरायली ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये है जवाबी कार्रवाई इजरायल की ओर से की जा रही है। यूं तो अगर हम वेपन्स की बात करते हैं तो इजरायल बहुत आगे खड़ा हुआ है, लेकिन इस सरप्राइज अटैक ने उसको परेशान किया और ऐसे में अब इजरायल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाब में हमले कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, गाजा पट्टी के जिन इलाकों से जिन ठिकानों से हमास हमले कर रहा है, सबसे पहले हमले उसी ठिकाने पर किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बैकफुट पर लाया जा सके। हमास ने इसराइल पर कई तरह से हमले किए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हमास ने अपने सुरंग युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचाया है। हमास के इसी टनल वॉर पर अब इसराइल सबसे घातक हमले कर रहा है जिसकी वजह से हमास की कमर टूटने लगी है।
100 साल तक युद्ध, हमास की जिहादी कसम। इस बार हमास के चरमपंथियों ने बहुत सोच समझकर और बड़ी तैयारी के साथ इजरायल में घुसकर सीधा हमला किया है। इजरायल सेना को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि हमास दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर इतने प्रचंड रॉकेट हमले कर देगा। इजरायल इस बात से भी हैरान है कि आखिर हमास ने इजरायल के इलाकों पर हजारों रॉकेट कैसे दाग दिए। इजरायल से बर्बादी और तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चीख चीख कर कह रही हैं कि हमास ने एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ सुरंग युद्ध शुरू कर दिया है। हमास का सुरंग युद्ध शुरू। इजरायल फिलिस्तीन एक बार फिर आमने सामने। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया है। हमास के खौफनाक हमलों से बौखलाए इजरायल ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजरायल के बेन्यामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि इस बार जमीन खोदकर हमास के सभी लड़ाकों को मार दिया जाएगा। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. חמאס כי כמאן, איס וקט קמאנדר אסמאעיל הניה כהנת מהן. שרק מדינת גזה. קמאנדר אסמאעיל הניה פשלי 4 סאנו סי ישראל פר המלה קרבה רעה היא. दावा किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है और इस वक्त हमास के लड़ाके गाजा से हजारों रॉकेट सुरंग के रास्ते से इजरायल पर दाग रहे हैं। हमास के लड़ाके बड़ी तेजी से सुरंगों से भागते हुए इजरायल की सीमा के पास पहुंचते हैं और अंधाधुंध हमले शुरू कर रहे हैं। गाजा इलाके में हमास ने सैकड़ों सुरंगें बना रखी हैं। एक अनुमान के मुताबिक गाजा के सुरंगों में करीब 2,00,000 रॉकेट हो सकते हैं। सुरंगों में रखे इन्हीं रॉकेट को हमास इजरायल के शहरों पर दागता है। इन सुरंगों की वजह से इजरायल को हमास के लड़ाकों को मारने में काफी वक्त लग जाता है और तब तक हमास इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा देता है। ראינו שבחוץ כבר יש כאילו כוחות שלנו. חברה שלי יצאה מלמעלה, אני לא הצלחתי לזוז, יש לי משהו בגב כנראה. מהלחץ, מזה שישבתי 2.5 שעות בשיפוע, כאילו, ולא זזתי, רגליים שתי מקופלות, אז עכשיו קצת קשה לי לעמוד וללכת. ואז יצא, ולקחו את הישר כאילו ברכב, ואז אני יצאתי גם מהצד השני, וחיילים לקחו אותנו, נסיכים, אין על צבא הגנה לישראל. خلال معركة العصف المأكول इस बार हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजरायल के खिलाफ शुरू हो चुका है, जो अब रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और इजरायल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने भयानक हवाई हमले गाजा पर शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायल हमलों से भारी तबाही शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इजरायल गाजा में मौजूद हमास की सभी सुरंगों पर एयर स्ट्राइक तब तक करता रहेगा जब तक कि हमास की सभी सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता है। हमास का सुरंग युद्ध शुरू। एक डिफेंस एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजरायल के तेल अवीव में भयानक सन्नाटा पसरा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक
इसराइल के दक्षिण में स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। गाजा की तरफ से हमले हर दिशा में हो रहे हैं। जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते गाजा के चरमपंथी दक्षिणी इसराइल में घुसकर भारी तबाही मचा रहे हैं। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इसराइली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। हमास ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे दो वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें कहा गया है कि इसराइली बंदियों को गाजा में जिंदा ले जाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसराइल अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है कि गाजा इलाके से हमास के लड़ाके किन किन सुरंगों से हमले कर रहे हैं। हम आपको बता दें, गाजा सुरंग युद्ध में महारत हासिल कर चुका है। ये गोरिल्ला वॉर है। गाजा पट्टी से जो रॉकेट हमास दाग रहा है उन्हें इसराइल का आयरन डोम हवा में नहीं मार पा रहा है। والقدس قضية محورية وعزم الإدارة الأمريكية وانطلاق شرارة الانتفاضة المباركة ووقوف العالم وأحرار العالم مسلمين ومسيحيين مع شعبنا ومع القدس. واليوم شعبنا وأمتنا وقفوا بالملايين في كل العواصم وفي كل المدن والمخيمات ليقولوا لا للتطبيع، لا لبيع القدس، لا للتفريط لفلسطين، لا للتنازل عن حق العودة. हमास फिलिस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जिसके पास हजारों जिहादी लड़ाके हैं जो इसराइल को तबाह करने के लिए अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। हमास के ऊपर इसराइल में कई हमले करने और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। आज भी इसराइल में होने वाले हर एक हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। हमास शुरू से ही इसराइल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। ये पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास का मुख्य मिशन है इजरायली कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना। हमास के मुख्य रूप से दो धड़े हैं, पहला राजनीतिक और दूसरा जंग करने वाला हथियार बंद जिहादी गुट। वर्तमान में हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथ में है। अगस्त 2021 की शुरुआत में हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने हानिया को 4 साल का नया कार्यकाल दिया था। इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का पूर्व सहयोगी है। जमीन खोद कर इसराइल ने मारा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इस बार इस्लामिक जिहादी गाजा के लड़ाकों पर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक कि गाजा पट्टी से गाजा लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए, इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जबकि फिलिस्तीन अरब मुस्लिम देश है जो इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इसराइल कहते हैं। जब भी इसराइल का नाम आता है यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई हजार साल से चल रही है। दावा किया जाता है इसराइल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। אם מישהו מוצא אותם, השמות הם שון גואטה ורס כהן, הם היו עם עוד 5 אנשים, בבקשה, תדאגו להם, אין להם שם אוכל, אין להם שם מים, הם שם מהבוקר, אנחנו מנסים להשיג אותם. हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी में इसराइल के हमले बेहद तेज हो गए हैं। भले ही हमास ने सुरंगों का फायदा उठाकर दक्षिणी इसराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हों, लेकिन इसराइल ने हर बार शुरू में चोट खाने के बाद जबरदस्त खूनी हमला हमास से लिया है। हम आपको 2 साल पहले की खबर बताते हैं जब इजरायली आर्मी ने गाजा पट्टी पर हमला करने की खबर फैला दी थी। इस खबर के फैलते ही हमास के चरमपंथी टनल यानी सुरंगों में जाकर छिप गए थे। इसके बाद इजरायल की वायुसेना ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला कर दिया था। उस वक्त इजरायल ने दावा किया था इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के दर्जनों कमांडर मारे गए थे। हमास का सुरंग युद्ध शुरू।
2014 में भी इसराइल ने हमास और फिलिस्तीन लड़ाकों को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमास ने इसराइल के इलाकों तक सुरंगें बना ली थी जहां से हमास के लड़ाके इसराइल पर खूनी हमले कर रहे थे। रात और दिन हमास लगातार इसराइल पर हमले कर रहा था। उस वक्त इसराइल की एयरफोर्स टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी पर भयानक हमले किए थे। 2014 में हुए इस जंग में भयानक हत्याएं हुई। इसी दौरान पता चला कि हमास ने गाजा से इसराइल तक कई सुरंगें खोद रखी थी। इसराइल ने इन सबको नेस्तोनाबूद कर दिया। हमास को आखिरी हार माननी पड़ी और इसराइल को जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बावजूद कट्टर और बेरहम हमास के लड़ाकों का प्रभाव गाजा में जरा भी कम नहीं हुआ। हमास को इसराइल के कट्टर दुश्मन लेबनन, ईरान और सीरिया से मदद मिल रही है। हमास को रॉकेट, भारी हथियार और गोला बारूद की कमी ईरान नहीं होने दे रहा है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर इसराइल से जंग कर रहा हमास इसराइल के वजूद पर सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सौ साल तक युद्ध, हमास की जिहादी कसम। इसराइल को फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुनौती देने वाला हमास इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि इसराइल को अगर किसी से जरा भी डर लगता है तो वो है गाजा पट्टी में गदर काटने वाले हमास के लड़ाके। खबरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से हमास के लड़ाके इसराइल पर अंधाधुंध रॉकेट दाग रहे हैं। लेकिन अब हमास ने सारी हदें पार कर दी है। अब इसराइल भी मन पूरी तरह से बना चुका है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करेंगे और हमास के लड़ाकों का सफाया करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक गाजा पट्टी में इसराइल सुरंग फाड़ युद्ध करता रहेगा। भारतीय दल को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पिछले 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 2000 से अधिक लोगों की मौत, हजार से ज्यादा लोग घायल। शनिवार को आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। सिक्किम में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के डॉग तैनात किए गए। सेना के 39 लापता गाड़ियों में से 15 को बरामद किया गया। सिक्किम के मंगन में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग। अस्थायी रोपवे की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। उत्तरी सिक्किम से 56 लोगों का रेस्क्यू। आईटीबीपी की टीम ने रोपवे की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नया अपडेट दिया है। लगातार सूर्य की तरफ बढ़ रहा है आदित्य L1। 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए रुका था अंतरिक्ष यान। वैष्णो देवी दरबार में उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। इस साल सितंबर तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे माँ के दरबार। साल के अंत तक आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। सिंगर गुरदास मान को कनाडा दौरा रद्द करना पड़ा। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव की वजह से गुरदास मान का कार्यक्रम फिलहाल रद्द करने का फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ। चैंबर की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत। 6 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर से हटाया गया वैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में मनचलों से परेशान परिवार पलायन के लिए मजबूर हुआ। घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुजरात के अहमदाबाद में लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार माया भाई आहिर और लोक गायिका अल्पा पटेल पर पैसों की बारिश हुई। कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल गौशाला बनाने में होगा। पटना में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन दफ्तर में बवाल हुआ है। कुछ लोगों ने दफ्तर में घुसकर पदाधिकारियों पर स्याही फेंकी है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एशियन गेम्स में भारत के पदकों का आंकड़ा 100 के पार। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत से कलाकृति बनाई। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में रजत पदक लाने वाले शतरंज महिला टीम को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ये पदक उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पीएम मोदी ने शतरंज महिला टीम को बधाई दी। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सर्विस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर से शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस। मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब कांड के बाद सुर्खियों में आए गंगा जमुना स्कूल पर लगा नोटिस। फरार आरोपियों के खिलाफ चिपकाए गए नोटिस। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन ने आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह के आवास पर मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने
छोड़ी पार्टी सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए खरगोन जिले की बड़वा सीट से विधायक हैं सचिन बिरला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक भोजराज नाग के बिगड़े बोल, अफसरों से कहा अगर मैं रहता तो आप लोगों का भूत उतारता। 14 अक्टूबर को बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मुंबई में एक साथ 5 आवारा कुत्तों ने पोस्टमैन पर किया हमला, बिल्डिंग के गार्ड ने बचाई पोस्टमैन की जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में दो नाबालिग छात्राओं ने जहर खाकर की खुदकुशी, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संयुक्त अरब अमीरात में जल्द बनकर तैयार होगा भव्य हिंदू मंदिर, मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में। रामलीला समितियों के सदस्यों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, रामलीला कार्यक्रम को लेकर चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर बयान दिया, कहा 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार देना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, पुलिस के मुताबिक 4 तस्करों के पास से लाखों रुपए के नकली भारतीय नेपाली नोट बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, आरोप है कि गिरोह ने 1.5 साल में 30 लाख रुपए के नोट मार्केट में खपा दिए। इंदौर पुलिस एनआईए एटीएस और आईबी से कई अहम जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गुजरात के नवसारी में एक साथ 3 मकानों में हुई चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी, हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह, 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खाई कसम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार, 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा की मौत, ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें, रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात, केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। लेकिन तफ्तीश में जुटी, मध्य प्रदेश के धार में एक ट्रक से 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है, कपड़ों के बीच अवैध शराब की पेटियां छुपा कर रखी हुई थी, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, 1 अक्टूबर से लापता थी छात्रा, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साइबर अपराधी पर पुलिस का एक्शन, डीएम के आदेश पर साइबर अपराधी फरीद की 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद झज्जर लौटी पलक गुलिया, लोगों ने पलक का शानदार स्वागत किया, रोड शो के दौरान उमड़ी भी। मिस्र में इसराइल के 2 और मिस्र के 1 नागरिक की हत्या, मिस्र की पुलिस ने गोली मारकर हत्या की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यूजर्सी में खुला, मंदिर में 10,000 से ज्यादा मूर्तियां, आज से भक्त कर सकेंगे दर्शन। इटली में एक गोल्फ क्लब में भीषण आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया, इस आग में गोल्फ क्लब का ग्रैंड स्टैंड जलकर राख हो गया, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दक्षिण अमेरिका देश पैराग्वे में प्लस साइज ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिता में 25 महिलाओं ने हिस्सा लिया। रूस के नेशनल पार्क में 2 स्नो लेपर्ड कैमरे के साथ खेलते नजर आए, नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने जारी किया वीडियो। करीना कपूर ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू की, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर कर जानकारी दी। वायुसेना दिवस के मौके पर सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन ने दिखाया दम।
केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने सिक्किम में आई बाढ़ पर अहम बैठक की है। मीटिंग में तबाही की समीक्षा की गई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के भी बैठक में वो मौजूद रहे। जिला बनने के बाद मेहर पहुंचे सीएम शिवराज। मेहर माता के मंदिर में की पूजा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। इसराइल और हमास के बीच जंग हुई और भयंकर। हमास के हमले में इसराइल के 350 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा घायल। इसराइल की वायुसेना का गाजा में कई ठिकानों पर हमला। हमास के कई हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक की गई। 400 से ज्यादा आतंकियों की मौत, करीब 2000 लोग घायल। इसराइल फिलिस्तीनी युद्ध में लेबनान की एंट्री। लेबनान ने इसराइल पर मोर्टार और रॉकेट दागे। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी ली। लेबनान की तरफ से हो रहे हमले पर इसराइल का जवाब। दक्षिणी लेबनान में इसराइल की तरफ से गोलीबारी की गई। हमास के हमले के बाद इसराइल के पीएम ने किया ट्वीट। कहा, हमास ने क्रूर युद्ध शुरू किया है। हम ये युद्ध जीतेंगे लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। बैठक में हमास पर लगाम लगाने के लिए बड़ी रणनीति पर चर्चा। गाजा में बिजली, तेल और सामान की सप्लाई रोकने का फैसला। इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का नाम आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन रखा है। इसराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा को बारूद से पाट दिया। इसराइल में फंसी भारतीय एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भारत लौटी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई फ्लाइट। इसराइल में एक फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई थी। हमास ने इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल होने का दावा। इसराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक। इसराइल के इस हमले का वीडियो भी सामने आया। हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट इसराइल के दक्षिणी इलाके में एक अस्पताल पर गिरा। हालांकि अस्पताल पर रॉकेट अटैक से पहले ही इसराइल की सेना ने उसे खाली करवा लिया था। इसराइल और हमास के बीच जंग का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी के ऊपर आसमान में लगातार रॉकेट दिखाई दी। हमास के हमले में इसराइल सेना के कमांडर की मौत। इसराइल सेना ने कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी दी। हमास ने इसराइल पर हवा और समुद्र के रास्ते में हमला किया है। इस दौरान इसराइल के कई जवानों की मौत हुई। इसके साथ ही इसराइल के कई टैंकों को भी तबाह किया गया। इसराइल के जवाबी हमले से गाजा में जमकर तबाही मची है। रॉकेट हमले की वजह से यहां पर कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई तो कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इसराइल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसराइल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें भी इसराइल की वायुसेना ने जारी की। हमास ने देर रात तेल अबीब पर रॉकेट से हमले किए हैं, जिन्हें इसराइल के डिफेंस। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह। 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खाई कसम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार। 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही। अब तक 2000 से ज्यादा की मौत। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। डूबने हवा में ही नाकाम कर दिया। हमास के हमले के बाद इसराइल में सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। इसराइल के उफाकीम शहर में इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस हमास के आतंकियों से जंग करती हुई नजर आई। एयर फ्रांस ने इसराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सुरक्षा कारणों को बताया वजह। इसराइली सेना के प्रवक्ता का दावा, हमास के रॉकेट हमलों में नहीं की गई किसी भी व्यक्ति की जान। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम किया। जो लोग मारे गए हैं वो आमने सामने की जंग में मारे गए। इसराइल के रक्षा मंत्री की हमास को चेतावनी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, इस बार आर या पार होगा। इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास को जड़ से मिटाने की कसम खा रखी है। इसराइल का गाजा में ताबड़तोड़ हमला जारी। एक इमारत पर हमले के बाद भागते नजर आए लोग।
हमास के हमले के बाद इसराइल में रिजर्व सैनिकों की भर्ती, आर्मी बेस के बाहर इसराइल के लोग सेना में भर्ती के लिए जमा हुए। हमास के हमले में इसराइल के 26 सैनिकों की मौत, इसराइल की सुरक्षा एजेंसी ने सभी 26 जवानों के नाम जारी किए और परिवार के प्रति संवेदना जताई। हमास के हमले में इसराइल में विदेशी नागरिकों की मौत, थाईलैंड के 2 और कंबोडिया के 1 नागरिक की हमले में मौत, थाईलैंड के 11 नागरिक हमास के कब्जे में। ब्रिटेन में इसराइल के राजदूत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्रिटेन के 1 नागरिक को हमास ने बंधक बना लिया है। इसराइल में हमले के बीच विदेशी नागरिक के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमास के हमले में नेपाल के 9 लोग घायल हुए। हमास के हमले के बाद इसराइल के लोगों से शेल्टर होम में जाने की अपील, इसराइल के 55 लाख से ज्यादा लोग शेल्टर होम में छिपे। हमास के हमले के बाद इसराइल में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हमास इसराइल के कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। इस बीच इसराइल से पलायन भी जारी। हमास ने दक्षिणी इसराइल के शहरों में अपने लड़ाकों के होने का दावा किया, कहा हम इसराइल के शहरों पर रॉकेट से हमला करके उनकी मदद कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल, तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ईरान ने हमास के आतंकवादियों को मुबारकबाद दी। ईरान के साथ ही यमन में भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर समर्थन में नारेबाजी की। इसके अलावा कतर और कुवैत में भी जश्न मनाया गया। इसराइल पर हमास के आतंकी हमले को इस्लामिक देशों का साथ मिला, यूएई, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान ने हमास का समर्थन किया। इसराइल के समर्थन में अमेरिका और रोम में खास लाइटिंग की गई, इसराइल के फ्लैग को चमकता हुआ दिखाया गया, उस पर लाइटिंग की गई। हमास से लड़ाई में इसराइल को अमेरिका का साथ मिला, बाइडेन ने इसराइल पर हमले की निंदा की और कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसराइल के समर्थन में कई देश उतरे हैं, अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा सहित कई देशों ने इसराइल का समर्थन किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इसराइल पर हमले की निंदा की और हमास के हमले को कायरता बताया। इसके साथ ही उन्होंने इसराइल के साथ खड़े होने की बात दोहराई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी करके इसराइल में रह रहे यूक्रेन वासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई, कहा वे दुनिया में कहीं भी हों उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा जिम्मेदारी जो है वो यूक्रेन की है। इसराइल पर हमास के हमले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा इसराइल पर हमला अमेरिका की कमजोरी की वजह से हुआ है। एयर इंडिया ने इजरायली शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाइट स्थगित की, 14 अक्टूबर तक तेल अबीब जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द। इसराइल में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की, भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। हमास के हमले के बीच इसराइल में फंसे मेघालय के 27 लोग, मेघालय के सीएम कोनाड संगमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसराइल पर हमले की निंदा की, कहा भारत इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चंडीगढ़ में वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए करवाया गया हवन, लोगों ने भारत की जीत की प्रार्थना की। बेंगलुरु में पटाखे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा, 14 लोगों की झुलसकर मौत, सीएम सिद्धरमैया ने दिए जांच के आदेश, घायलों का इलाज जारी। 91वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को मिला नया ध्वज, पुराने ध्वज में जोड़ा गया हिमालय, ईगल और अशोक स्तंभ का चिन्ह। वायुसेना दिवस के मौके पर सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन ने दिखाया दम। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वे, गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जारी किया आदेश। राजस्थान में जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का बयान, कहा विकास से लोगों को भ्रमित करना सीएम अशोक गहलोत की नीति है। जातिगत जनगणना के बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला, कहा ओबीसी के बहाने मुसलमानों को हक दे रही सरकार, कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे लालू। पश्चिम बंगाल और मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम की आवाज पर सीबीआई के छापे, नगर निगम में नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई टीम की जांच जारी। टीएमसी नेता मदन मित्रा के यहां पर पहुंची सीबीआई की टीम। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी, हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह, 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा।
इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खाई कसम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार, 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा की मौत। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई की रेड। दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह से ईडी की पूछताछ का तीसरा दिन। ईडी अब तक संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से कर चुकी है पूछताछ। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में संजय सिंह। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ने पैसे लेने की बात से इनकार किया, कहा पैसे मिलने के आरोप निराधार दुर्भावनापूर्ण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट में हर दिन मलबे से 2000 टन रेत, रोड़ी और बालू बनाया जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, अगली बैठक में नाम तय होने की उम्मीद। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में हुए शामिल। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना में शामिल होने का दिया निमंत्रण। बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने केदारनाथ धाम में की पूजा। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने भारतीय दल को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पिछले 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, अथक उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया। अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 2000 से अधिक लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल। शनिवार को आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। सिक्किम में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के डॉग तैनात किए गए। सेना के 39 लापता गाड़ियों में से 15 को बरामद किया गया। सिक्किम के मंगन में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग। अस्थायी रोपवे की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। उत्तरी सिक्किम से 56 लोगों का रेस्क्यू। आईटीबीपी की टीम ने रोपवे की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने नया अपडेट दिया है। लगातार सूर्य की तरफ बढ़ रहा है आदित्य L1। 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए रुका था अंतरिक्ष यान। वैष्णो देवी दरबार में उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। इस साल सितंबर तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार। साल के अंत तक आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। सिंगर गुरदास मान को कनाडा दौरा रद्द करना पड़ा। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव की वजह से गुरदास मान का कार्यक्रम फिलहाल रद्द करने का फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हादसा हुआ। चैंबर की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत, 6 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर से हटाया गया वैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में मनचलों से परेशान परिवार पलायन के लिए मजबूर हुआ। घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर, पुलिस ने आरोपों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुजरात के अहमदाबाद में लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार माया भाई आहिर और लोक गायिका अल्पा पटेल पर पैसों की बारिश हुई। कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा किए गए पैसों का इस्तेमाल गौशाला बनाने में होगा। पटना में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन दफ्तर में बवाल हुआ है। कुछ लोगों ने दफ्तर में घुसकर पदाधिकारियों पर स्याही फेंकी है, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एशियन गेम्स में भारत के पदकों का आंकड़ा 100 के पार। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत से कलाकृति बनाई। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में रजत पदक लाने वाले शतरंज महिला टीम को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ये पदक उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पीएम मोदी ने शतरंज महिला टीम को बधाई दी। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सर्विस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर से शुरू होगी भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस। मध्य प्रदेश के दबोह में हिजाब कांड के बाद सुर्खियों में आए गंगा जमुना स्कूल पर लगा नोटिस। फरार आरोपियों के खिलाफ चिपकाए गए नोटिस। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन ने आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह के आवास पर मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने
छोड़ी पार्टी सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए खरगोन जिले की बड़वा सीट से विधायक हैं सचिन बिरला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पूर्व विधायक भोजराज नाग के बिगड़े बोल, अफसरों से कहा अगर मैं रहता तो आप लोगों का भूत उतारता। 14 अक्टूबर को बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मुंबई में एक साथ 5 आवारा कुत्तों ने पोस्टमैन पर किया हमला, बिल्डिंग के गार्ड ने बचाई पोस्टमैन की जान। राजस्थान के बांसवाड़ा में दो नाबालिग छात्राओं ने जहर खाकर की खुदकुशी, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संयुक्त अरब अमीरात में जल्द बनकर तैयार होगा भव्य हिंदू मंदिर, मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। आतंकी हमले के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर की ताबड़तोड़ बमबारी, हमले में हमास की 17 ऑपरेशन साइट और 4 हेडक्वार्टर तबाह, 400 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा। इसराइल ने गाजा पट्टी के नागरिकों को फौरन घर छोड़कर जाने को कहा। इसराइल ने आतंकी संगठन हमास को मिटाने की खाई कसम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, युद्ध लंबा चलेगा। इसराइल में मरने वालों की संख्या 700 के पार, 10 नेपाली छात्र भी मारे गए। अफगानिस्तान में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटकों से मची भारी तबाही, अब तक 2000 से ज्यादा की मौत, ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें, रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता का आया था भूकंप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात, केएल राहुल ने 97 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली ने शानदार 85 रन बनाए। रामलीला समितियों के सदस्यों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, रामलीला कार्यक्रम को लेकर चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर बयान दिया, कहा 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार देना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, पुलिस के मुताबिक 4 तस्करों के पास से लाखों रुपए के नकली भारतीय और नेपाली नोट बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, आरोप है कि गिरोह ने 1.5 साल में 30 लाख रुपए के नोट मार्केट में खपा दिए। इंदौर पुलिस एनआईए एटीएस और आईबी से कई अहम जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। गुजरात के नवसारी में एक साथ 3 मकानों में हुई चोरी से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में एक ट्रक से 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है, कपड़ों के बीच अवैध शराब की पेटियां छुपाकर रखी हुई थी, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, 1 अक्टूबर से लापता थी छात्रा।